मैं सबसे पहले हमारे उदयपुर जिले के निवासियों को नमस्कार करना चाहता हूँ और साथ में ये अपील भी करना चाहता हूँ कि जो हमारे जिले की परंपरा है सदैव शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने की, वो परंपरा को हम निरंतर रूप से कायम रखेंगे। और जो गत दिनों में घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के दौरान भी हमारे जिले के निवासियों ने संयम बरतते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग किया है। आने वाले समय में भी और आने वाले आगामी समय में भी ये परंपरा को निरंतर रूप से कायम रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और संयम से रहेंगे ये भी मैं आशा करता हूँ कि सभी मिलजुल कर अपना काम करेंगे और हमारे जो भावना है लोकतंत्र की उसको उसके अनुरूप काम करेंगे। जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं उनको सख्ताई से डील कर लिया गया है और जो भी आगे इस तरह की एक्टिविटीज़ को या इस तरह के लोगों को जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले रहेंगे उनके ऊपर हमारी निगरानी जारी है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर बहुत शांतिप्रिय शहर है और एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में विख्यात है और यहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर इस इमेज को बनाया है। और मेरी लोगों से यही अपील है कि इस शांति और सौहार्द को बना के रखें, आपसी भाईचारे को बना के रखें। जो भी ऐसे लोग होंगे जो इसको अफेक्ट करना चाहते हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त रहेंगे और उनको रेगुलर चेक करते रहेंगे। और आप सबसे हम पुनः अपील करते हैं कि जो आपने संयम दिखाया है, जो भाईचारा दिखाया है, जो सौहार्द दिखाया है, उसे बना के रखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।